कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले चुरुवा हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। दरअसल रायबरेली राहुल गांधी की प्राथमिकता लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। इसका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी किया था। संभावना जताई जा रही है कि भूएमाऊ गेस्ट हाउस में बैठक के दौरान संगठन को और ताकतवर बनाने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी अपनी मां सांसद सोनिया गांधी की निधि से जो काम हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए भूएमाऊ गेस्ट हाउस पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खास उत्साह नजर आया। वहीं 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति आज भूएमाऊ गेस्ट हाउस पर राहुल गांधी से मिलने की संभावना है। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहीद की पत्नी स्मृति ने सम्मान लिया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति आज राहुल गांधी से भूएमाऊ गेस्ट हाउस में मिल सकती हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली से 3,90,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। एक महीने में दूसरी बार राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे हैं। राहुल गांधी के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के लोगों में काफी उत्साह नजर आया।